दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है किसी समीकरण के बिमी संतुलन अथवा सत्यता की जांच करना, वो भी बिमाओं की सहायता से। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है टी इक्वल टू 2π√L अपॉन जी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले की जांच करनी है। यानी ये सूत्र लिखा है ये सही है या गलत है, वो भी बीमाओं की सहायता से हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसके पता करने का। तो इसका हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है टी इक्वल टू 2π√L अपॉन जी। तो इसमें एक तो होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है राइट हैंड साइड RHS। तो इसमें क्या करें, हम लेफ्ट हैंड साइड की बीमाएँ निकालेंगे और राइट हैंड साइड की बीमाएँ निकालेंगे। अगर दोनों पक्षों की बीमाएँ समान आती हैं तो ये फॉर्मूला सत्य है, अगर बीमाएं अलग अलग आती हैं तो ये फॉर्मूला असत्य है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टी, यहाँ पर टी क्या है, आवर्तकाल। तो इसकी बीमा होगी, यानी टी आवर्तकाल की बीमा होगी, टाइम पीरियड की बीमा होती है टी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में निकाला हुआ है, आप देख सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला दिया होगा, वहां पर ये सब दिया होगा, यहाँ पर टी क्या है, आवर्तकाल है, एल लंबाई है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, या उस सवाल में सब कुछ दिया हुआ होगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तो आवर्तकाल की बीमा होगी टी, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अभी हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, 2π√L अपॉन जी। तो छात्रों यहाँ पर समझने वाली बात यह, 2π है ये एक बीमा रहित राशि है, इसकी कोई बीमा नहीं होती। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एल अपॉन जी की बीमा निकालेंगे। तो यूक्वल टू, ये बीमा रहित राशि, तो इसको तो हम छोड़ देंगे 2π को। तो ये हो गया रूट एल लंबाई, लंबाई की बीमा होती है एल अपॉन जी। जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होती है एल टी माइनस टू। तो अब यहां पर ये समझने वाली बात है, एल से एल कट जाएगा, ये टी पे पावर माइनस टू, ऊपर जाके प्लस की टू हो जाएगी, रूट टी पे पावर टू, टू से रूट हट जाएगा, यूगल टू आ जाएगा टी। ये आ गया राइट हैंड साइड की बीमा। अभी हम देखेंगे, ये तो लेफ्ट हैंड साइड की बीमा थी टी, राइट हैंड साइड की भी बीमा आ गई टी, दोनों बीमा इक्वल हैं, अतः हम कह सकते हैं दिया गया फॉर्मूला सत्य है। धन्यवाद दोस्तों।